नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना और समझना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन है हमारे सबके फेवरेट रक्षाबंधन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि राखी का त्यौहार आने वाला है, तो कुछ टाइम पहले से ही क्या होता है कि भाई बहन तैयारी में लग जाते हैं कि इस बार अपने बहन को क्या गिफ्ट देना है। भाई सोचते हैं, बहनें सोचती हैं कि भाई को क्या गिफ्ट देना है, तो सब लोग कुछ टाइम पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं। वहीं पर आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप फाइनेंशियल कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं अपने भाई को या बहन को, तो आप क्या दे सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे अगर आप नॉर्मल कोई गिफ्ट वगैरह खरीद के देंगे तो हो सकता है वो इतना यूज़फुल ना निकले, इतना काम ना आए उनके। बट फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उनके काम आएंगी ही आएंगी, वो बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो अगर आप कोई बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते हैं, बहुत सरप्राइज करना चाहते हैं अपने बहनों को, स्पेशली भाई लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, अपनी बहनों को बहुत सरप्राइज करना चाहते हैं, तो आपको मैं कुछ गिफ्ट्स बताने वाली हूँ फाइनेंस रिलेटेड, जो आप अपनी बहनों को इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पर दे सकते हैं। और ये मेरा फेवरेट, पर्सनल फेवरेट होगा, क्योंकि मैं भी इस बार अपने भाइयों से यही मांगने वाली हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला गिफ्ट जो आप अपनी बहनों को दे सकते हैं वो है उनके नाम पर SIP करना। क्योंकि ये जैसे ये पूरे मतलब एक दिन का नहीं होगा गिफ्ट ही, ऑब्वियसली ये आप हर महीने एक तरीके से उनके नाम पर कुछ पैसे निकाल कर उस पर SIP कर रहे हैं, ताकि उनका जो होगा उनका फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर हो जाएगा। ये आप बहुत एक अच्छा फाइनेंशियल गिफ्ट कह सकते हैं इसको। ये ज़्यादा खर्चे वाली बात हो गई आप कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक तरीके से आगे जाके बहुत बेनिफिट करेगा उनका जो है, पैसा भी आपका रिटर्न्स भी अच्छी आएगी और पैसा जोड़ भी जाएगा, तो इसीलिए SIP एक बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट उनके नाम पर सेव करते हैं या करना चाहते हैं तो। दूसरा होगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप उनके नाम पर उनको एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा कर दे सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास रहेगा सेविंग्स बैंक अकाउंट, उनका उनके नाम पे कोई सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवा दिया जाए, जिस पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी अमाउंट जो है वो टाइम टू टाइम उनके नाम पर डलवाते रहें, सेव करते रहें। फिर आएगा या तो आप डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं कि जहाँ पर आप, इसमें क्या होगा कि आप इन्वेस्टिंग भी करते रहेंगे और साथ में आपकी बहन भी खुश हो जाएगी, तो आप उनके नाम पे एक डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन है गोल्ड का। अब आप कहेंगे कि गोल्ड तो यानी कि फिजिकल गोल्ड की आप कोई ज्वेलरी वगैरह बनवा के दे रहे हैं, बट इसमें हमारे पास एक नया ऑप्शन क्योंकि अब ऐड हो गया है डिजिटल गोल्ड का, तो आप डिजिटल गोल्ड में भी उनके लिए इन्वेस्ट करके अब वो उनको गिफ्ट दे सकते हैं। फिर आता है गोल्ड की ETFs करवा सकते हैं, या फिर आप अगर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट उनके लिए तैयार करना चाहते हैं तो आप उनके नाम पे एक FD करवा सकते हैं। क्योंकि FD क्या होगा कि एक तरीके से पैसा सेव हो जाएगा कि जब उनको ज़रूरत होगी वो अपनी मर्जी से, या फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन अगर आप उस पे रखवा रहे हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन के बाद उनको वो पैसा अच्छे खासे रिटर्न्स के बाद मिल जाएगा, तो FD भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। फिर है स्टॉक्स। स्टॉक्स ब्लू चिप कंपनीज़ में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी बहनों के नाम पर, और अच्छी खासी रिटर्न्स जो हैं वो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ फाइनेंशियल ऑप्शंस, जो फाइनेंशियल गिफ्ट्स जो आप अपने भाई बहनों को गिफ्ट कर सकते हैं इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पर। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।